हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज की सुबह की फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ। तो आज का मार्केट काफ़ी अच्छा रहा। सेंसेक्स 1200 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 8400 के ऊपर है। अब क्या कहें, क्या रीज़न है, लेकिन इसको कहा जा सकता है, इसके दो रीज़न मेजर हैं। एक तो यूएस मार्केट भी कल काफ़ी ऊंचा रहा और एशियन मार्केट भी कल काफ़ी ऊपर रहा, तो लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट है। साथ के साथ कुछ और चीज़ें जो बातें आ रही हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये मार्केट ऊपर है। पहली चीज़, लगभग 24 ऐसे मेडिसिन ड्रग्स थे जिस पे गवर्नमेंट ने बैन लिफ्ट किया है, तो एक तो वो इम्पैक्ट बताया जा रहा है। साथ के साथ मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि लगभग इंडिया में 1.2 बिलियन का इनफ्लो हो सकता है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो कहा जा सकता है कि ये ऐसी थोड़ी खबरें थी जिससे कि मार्केट को थोड़ा सा, कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो वो वाली बातें हैं। और मार्केट उससे थोड़ा सा खुश हुआ, आगे की तरफ सेंटिमेंट बढ़ा और ग्रीन में रहा। अब आगे बात करते हैं, रेलवे ने इधर सीमेंट कंपनी से कहा है कि आप जितनी जल्दी हो सकते हैं आप जो ट्रेन्स हैं उनको खाली करें, अपने माल को अनलोड करें, ताकि जो एसेंशियल आइटम के गुड्स हैं उनकी सप्लाई को मुहाल किया जा सकता है। इधर टेलीकॉम कंपनी ने कहा है कि गवर्नमेंट से कि जो नए कस्टमर आ रहे हैं उनकी KYC करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कृपया करके सेल्फ KYC का ऑप्शन कुछ दिनों के लिए एक्टिवेट करें ताकि हम नया कस्टमर एक्विजिशन कर सकें। लॉकडाउन के बाद एक अच्छी खबर ये आ रही है कि BS6 जो व्हीकल्स हैं उनकी जो सेल है 1 मिलियन अभी तक हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है, जहां पे कह सकते हैं कि कुछ खरीदारी दिख रही है और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को लग रहा है कि एक अच्छी खबर हो सकती है। इधर हम बात करें तो Airbnb ने लगभग $1.2 बिलियन रेज करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वो बहुत जल्दी इसको रेज भी कर लें। इधर इंडिया ने जो बैन हटाया उसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप का काफ़ी योगदान है। ट्रंप ने पर्सनली मोदी जी को फ़ोन करके कहा कि कुछ ऐसे ड्रग्स थे जिनकी आयुष को भी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, उसको बहाल किया जाए। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ अच्छा भी है, इस बीच बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं जो प्रॉब्लम भी है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो आज के अभी तक के लिए इतना ही। हम शाम को फिर से एक नए वीडियो के साथ आएंगे, पूरे फाइनेंशियल न्यूज़ लेके आएंगे, जिसमें फिर से हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।